होमकमिंग, घर वापसी। किस चीज की घर वापसी? तो यार, आज से करीबन 4 साल पहले एक ट्रेन पकड़ी थी इंजीनियरिंग की। पूरे विश्वास के साथ कि ये 4 साल जिंदगी के सबसे यादगारी दिन रहने वाले हैं। लेकिन यार, कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रेन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगी और इसे ठीक होने में करीबन 2 साल का समय लग जाएगा। घर पर अकेले रहते थे तो मजा नहीं आता था, अभी यहाँ पे अपने सारे बच्चे लोग हैं तो घूमना फिरना हो जाता है। वैसे भी फोर्थ ईयर में तो अपने कुछ काम धंधा है नहीं। वो सर फोर्थ ईयर स्टूडेंट की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि यार, दोस्तों से बिछड़ने से पहले के कुछ आखिरी पल वो हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ गुजार सके। तो बाबा, 1.5 साल अपन जब हॉस्टल में रहे उसके बाद घर गए तो यार बहुत अजीब सा एकदम फील होता था। मतलब वो जो GPL और वो जो दोस्तों के साथ जो महफिल बनती थी वो इतना मिस करते थे। लेकिन अब जब अपन के पास अब 2.5 महीने कॉलेज के बचे और अपन वापस आए तो अब अपन एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहते यार। अब यार कुछ ही महीने बचे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्टेशन आने में और इस ट्रेन के सफर में भी कुछ ही नज़ारे बचे थे जी लेने के। तो मैंने सोचा क्यों ना इन नज़ारों को अपने यादों के एल्बम में कैद कर लिया जाए, ताकि मैं इन नज़ारों को 20 साल बाद भी याद कर सकूं, जी सकूं। अब यार, कॉलेजेस पूरे 2 साल बाद खुले थे। वैसे हमने वो फेस्ट की फील, कॉलेज की वाइब एक्सपीरियंस कर रखी थी, लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले थे ना, उन्होंने ये सब सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रखा था। और DTU वालों ने होमकमिंग का कुछ प्लान ना कर रखा हो, पॉसिबल नहीं था। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। कमिंग जैसा सुना था उससे ज़्यादा लगा, मतलब जैसे मैंने अपने बाकी कॉलेज के दोस्तों को बताया ना, तो उन लोग के लिए था कि ये उन लोग का बेस्ट है, और हम लोग के लिए यहाँ से पता चला कि ये तो मतलब नॉर्मल इवेंट है, 2 दिन का इवेंट नॉर्मल इवेंट है। अब यार, होमकमिंग जो था ना, वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। असली पिक्चर यानी कि असली फेस्ट, द बाप ऑफ फेस्ट। NG फेस्ट अभी बाकी है। अब यार, वैसे तो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी मिस करे हैं, लेकिन लॉकडाउन से पहले और अब चीज़ें काफ़ी बदल गई है। फेस्ट में एंजॉय करते हुए, नाचते हुए, प्लेसमेंट की टेंशन नहीं होती। और तो और, एक मिनट, अब लोग आपके भाई के साथ भी फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो भाई, फैल नहीं रहा मैं, ठीक है, लेकिन यार बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आपसे मिलने आते हैं और बोलते हैं जब भाई क्या वीडियो बनाते हो, हमने आपको अपने सामने इम्प्रूव करते हुए देखा, एडिटिंग कमाल हो चुकी है, वीडियो देख के मूड रिफ्रेश हो जाता है। अजय भाई, ये बास्केटबॉल कबड्डी के कैप्टन वगैरह क्या बात चल रही है ये? तो देखो यार, कल्चरल काउंसिल ने तो महफिल कुछ इस तरीके से बना दी थी, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल कैसे पीछे रह सकता था? तो स्पोर्ट्स काउंसिल ने अरेंज करवाया अरीना, इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन। खत्म होने के बाद पोजीशन की बॉल जितना मोटा होना चाहिए।
तो अरीना में जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जैसे मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के ट्रायल होने थे, फिर उसके बेसिस पे टीम बननी थी। तो मैंने पार्ट लिया क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, और कबड्डी को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था तो मैं बन गया कबड्डी का कैप्टन। तो यार आईटी की कबड्डी की टीम तो बड़ी खस्ती सी निकली, ट्रायल रखे थे मैंने, कैप्टन हूँ मैं, कोई आया नहीं। अब मैंने सोचा जब आईटी डिपार्टमेंट को कोई लीड नहीं कर रहा है तो और मुझे लीड करना चाहिए, मुझे कैप्टन बनना चाहिए और मुझे मेडल लाना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन जब अरीना स्टार्ट हुआ दो तीन दिन बाद, तो हमारा पहला कबड्डी का मैच हुआ बीबीए वाली टीम से, और यार शायद पूरे अरीना में है ना सबसे बुरी तरीके से जो कबड्डी में हारे थे वो हमारी टीम थी। अब यार जो हमारे सारे मैचेस थे वो थे नॉकआउट मैचेस। अब बात आती है अगर क्रिकेट के, जो हमारा पहला मैच था वो था इंजीनियरिंग फिजिक्स की टीम के साथ। हमारे पास एक एडवांटेज क्या था, जो पूरी डीटीयू की क्रिकेट टीम का कैप्टन है ना त्यागी, तो वो आईटीआई था और वो हमारी टीम को लीड कर रहा था। हमने एक काफ़ी अच्छा टारगेट दिया उन्हें 64 रन्स का, लेकिन यार पहले दो ओवर बढ़िया जा रहे थे, 8 ओवर्स का मैच था, उसके बाद थोड़े बहुत यार रन ज़्यादा पड़ गए और क्रिकेट में भी हम हार गए। अब बात आती है वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में पहला मैच हम जीत जाते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं क्वार्टर फाइनल में। तो हमारा आईटी का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, सामने वाली टीम है एमबीए वाली, ऐसी वैसी कर देंगे। अब क्वार्टर फाइनल में एमबीए वाली टीम को हराने के बाद हम पहुंचते हैं सेमीफाइनल्स में, और सेमीफाइनल्स में जो हमारा मैच था वो था सिविल वाली टीम से, और सिविल वाली टीम भाई सही में बहुत तगड़ी टीम थी, लेकिन हमारे पास भी एक खिलाड़ी था विकास भंडारी। तो यार हमारा सेमीफाइनल था सिविल वालों के साथ और हार चुके हम लोग, बाकी एफर्ट पूरा था विकास भाई का, पूरी टीम का। अब यार वैसे तो हम तीन स्पोर्ट्स में हार गए थे, लेकिन फिर दोबारा वो एनर्जी देखकर, वो वाइब एक्सपीरियंस कर जी सा खुश हो गया था। लेकिन यार बुरा है ना, बस एक चीज़ का लग रहा था कि 2 महीने बाद ये सब ख़त्म होने वाला है, मैं और मेरे दोस्त इस इंजीनियरिंग की ट्रेन को छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं।